हाँ दादा, ये नाला बाजार, दरगाह बाजार और गंज के एरिया में आज कार्रवाई की गई है। एक प्रमोद वरियानी की जो बिल्डिंग थी, बेसमेंट G+3 सेंक्शन था, उसके विरुद्ध उन्होंने सेट बैक कवर करते हुए G+5 पर निर्माण किया था, वो सीज की है। उसके बाद में 1 लाख अहमद की है, जो उसका G+2 का सेंक्शन था, उसके विरुद्ध 5 है और बेसमेंट भी निर्मित है और मार्गाधिकार के पार्ट पर भी निर्माण है, तो वो सीज की है। तीसरी ये होटल आमना पैलेस है मुकमिल हुसैन जी के नाम से, इसका कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं है, ये सीज किया जा रहा है। और फिर आगे अजय सोनग्रा जी हैं, सोनग्रा है, उनके G+2 के विरुद्ध G+5 निर्मित है, वो सीज की करेंगे। और कुतुब यूनिवर्सिटी है, इधर 5 बिल्डिंग 5 कार्रवाई हैं आज, इनको सबको नोटिस दिया गया था, स्वीकृत मानचित्र मंगाए गए थे, स्वीकृति के विपरीत जो निर्माण है और सेटबैक कवर करते हुए जो निर्माण है, सुनवाई करने के पश्चात इनकी कार्रवाई की जा रही है आज। अच्छा सर, ये जो निर्माण हुए जी, उनमें काफ़ी समय लगा होगा। हाँ, निर्माण में यही है, निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, स्वीकृति के आय में इन्होंने साइड बैक कवर वगैरह किए गए हैं इनको, कई बार बिल्कुल उनको नोटिस देते हैं, इनको समझाते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन पब्लिक मान नहीं रही है, कार्रवाई निरंतर हो रही है निगम के द्वारा, आपको देख रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी। आपका परिचय? धर्मेंद्र आनंद, अधिशासी अभियंता, नगर निगम।